ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 307वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का दूसरा पाठ, उसके प्रथम अधिकरण का 13वां सूत्र आज हम आगे देखेंगे, पृष्ठ संख्या 2080। पीछे से प्रसंग ये है कि रथंतर आदि जो शब्द हैं ये ऋचा के वाचक हैं या गान के वाचक हैं, उस विषय में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं। 13वें सूत्र में सिद्धांति और अपनी पुष्टि में बात को रख रहा है। सूत्र है अपितु कर्म शब्दः स्यात्, अल्प विराम, भावो अर्थः प्रसिद्ध ग्रहणत्वात्, अल्प विराम, विकारो ही अविशिष्टो अन्यैः। तो अपितु क्या कहे, पूर्व पक्षी को हटा रहा है और सिद्धांती कह रहा है कि कर्म शब्द स्यात्, ये कर्मवाचक शब्द हो गए, यानी गान का वाचक हो गए, कर्म का संस्कारक शब्द हो गए। क्यों ऐसा? तो प्रसिद्ध ग्रहणत्वात्, ये प्रसिद्ध ऐसा ही ग्रहण होता है, प्रसिद्ध गान के ग्रहण से, लोक में इन शब्दों से यही प्रसिद्ध है जो गृहित होता है। और फिर कहा भावो अर्थः, इनमें जो अलग अलग इनका भाव है वो अलग अलग बनेगा, यानी तो अलग अलग विशेषण से युक्त ये बनेंगे, जो अर्थ है गान है वो अलग अलग प्रकार का बनेगा। है तो प्रसिद्ध गीति, लेकिन इनके नाम अलग अलग है तो उसमें उतनी उतनी विशेषता मान करके चला जाएगा। विकारो अविशिष्टो अन्यई ही, और इन रथंतर आदि सामों में जो अंतर होता है या तो ऋचाओं में भी जो अंतर आता है वो विकार अन्यों के समान है, अविशिष्ट है, अन्यों से अभिप्राय है, जो लौकिक गान होते हैं उनके समान ही यहाँ पर भी विकार देखा जाता है। विकार इस रूप में कि गान को, गीति को हम कुछ शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो गान के अनुसार हम उसको ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं और ये सब परिवर्तन करते हैं वहाँ पर, तो यही विकार है उन शब्दों का गीत के अनुसार। तो अन्य यानी लौकिक के समान ही इसमें भी विकार होते हैं। ऋचाओं को जब गायन किया जाता है तो उनके स्वर आदि में न्यूनाधिकता होती है, वो विकार होता है, वो उन्हीं के समान, लौकिक के समान माना जाएगा। भाष्य देखिए, अपितु नैवम स्यात्, ये नहीं है कि ऋचः साम शब्दः तस्याश्च प्रदेशयति। तो ऋचाएं हैं वही, साम शब्द जो है वो ऋचावाचक है और उसका भी प्रदेश है, यानी देश का अतिदेश किया जा रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। तथा यदि ऐसा करते हैं तो देश लक्षणा धर्म लक्षणा व आश्रयणीया, यदि हम देश करते हैं या प्रदेश, मतलब देश और धर्म दोनों के लिए पीछे कहा था इन्होंने, देश देश का अतिदेश है अथवा धर्म का अतिदेश है, यदि हम ऐसा करते हैं तो देश लक्षणा और धर्म लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा, यानी लक्षणा को लाना पड़ेगा। अगतिश्चैषा यह लक्षणा परिग्रह, और लक्षणा का ग्रहण है ये अगति है, अगतिक गति है, अगतिक गति का मतलब जहाँ मार्ग नहीं है फिर भी मार्ग बनाना है, लक्षणा ऐसी होती है। अभिधा को छोड़ के जब सीधा अर्थ नहीं निकल रहा होता तो हम परोक्ष अर्थ लेते हैं, तो ये अगतिक है। अगतिश्चैषा यह लक्षणा परिग्रह, लक्षणा में दोष बताया जा रहा है, यद्यपि लक्षणा भी ली जाती है और अगति की भी गति होती है, जब रास्ता नहीं होता है तो हम बिना रास्ते के भी रास्ता निकालते ही हैं, लेकिन फिर भी दोष तो माना ही जाता है कि भाई बिना रास्ते के आए हो, बिना रास्ते के रास्ता निकाला, पर कुछ भी रास्ता नहीं है तो रास्ता कहीं से भी बनाना ये भी अच्छा है, लेकिन रास्ते के होते हुए रास्ता निकालना, टेढ़ा मेढ़ा जाना वो गलत है।
अगतिश्च ऐसा यह लक्षणा परिग्रह, तो लक्षणा का परिग्रह ये अगतिक है। किम तरही फिर क्या है ये, तो सिद्धांति कहता है कर्म शब्द स्या, कर्मवाचक शब्द होवे। खोल रहे हैं उसी को आगे, रथंतरादिर गानाख्यस्य संस्कार कर्मणो वाचक, गान नामक संस्कार कर्मों का ये वाचक होगा। रथंतरादि जो शब्द हैं वो गान नामक संस्कार कर्म के वाचक हैं। गाना ये कर्म है और वहां पर कुछ उससे संस्कार किया जाता है, संस्कार कर्म है ये, तो उसका ये वाचक है। कुतः उक्तो न्यायः, क्योंकि ये पहले कहे जा चुका है गीतिषु सामाख्या इत्यत्र। आगे तत्र गीति विशिष्टायाम रिचि एषः शब्दो दृष्टः, एषः शब्द मतलब ये रथंतर आदि ये साम जो शब्द हैं ये गीति विशिष्ट रिचि ऋचा में ये शब्द देखा जाता है। रिक होनी चाहिए और उसमें गीति विशेष होना चाहिए। न च अग्रहित विशेषणा विशेष्य बुद्धि रूप उपपद्यते, ये जो रथंतर आदि शब्द हैं ये क्यों गीति विशिष्ट ऋचा में प्रयोग किए जाते हैं, रिक में प्रयोग किए जाते हैं, उसके संबंध में कह रहे हैं कि अग्रहित विशेषण वाली जो बुद्धि होती है वो विशेष्य न उपपद्यते, विशेष्य में उत्पन्न नहीं हो पाती है। हमारी बुद्धि जब विशेष्य में बनती है, वस्तु जो भी है वो कब बनती है, जब उसका विशेषण भी साथ में रहता है, यानी विशेषण से रहित अग्रहित विशेषणा बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसने विशेषण को तो ग्रहण नहीं किया है, तो विशेष्य न उपपद्यते, विशेष्य में वो बन नहीं पाती है। तो यहाँ पर रथंतर साम है, या तो रथंतर ये जो ऋचा है गीति विशिष्ट ऋचा, तो रिक तो वहाँ पर है विशेष्य और गीति हो गई विशेषण, तो ऋचा का ठीक तरह से ग्रहण करने के लिए वहां पर विशेषण से युक्त रथंतर आदि साम गीत से युक्त वहां पर ऋचा का कथन किया जाता है, तो इसलिए वो साथ साथ में हो जाता है। वैसे ये गीति को ही बताने वाली है ऐसा कहना चाहते हैं। तस्मात विशेषणम तावद अभिधीयते, इसलिए उसका विशेषण कहा जाता है। विशेषण प्रत्ययाच सहचरिते विशिष्टे प्रत्यय, और विशेषण का ज्ञान होने पर उसके साथ साथ विद्यमान विशिष्टे विशिष्ट अर्थ में यानी विशेष्य में ज्ञान होता है। अतो नास्ति ऋचः शब्देन संस्पर्श इति, इसलिए रथंतर आदि जो शब्द हैं इनका ऋक् शब्द से संस्पर्श भी नहीं है, यानी वास्तव में तो ये गीति को ही कहना चाहते हैं, गीति को ही कहते हैं, लेकिन चूंकि वो गीति जो है वो ऋक् के साथ ही बोली जाती हैं और ऋक् के विशेषण बनती हैं, और जब ऋचाओं का कथन किया जाता है तो वहाँ पर गीतियों को भी साथ में लेकर के कथन किया जाता है कि कौन सा वाला साम है, रसंतर है, बृहत है इत्यादि, इसलिए वो साथ साथ हैं। वास्तव में इसका ऋचा से संस्पर्श नहीं है, सीधे स्पर्श नहीं है। अतो नास्ति ऋचः शब्देन संस्पर्श इति तेन एवं न्यायेन गीति नाम धेयम इति प्रोम, तो इस न्याय से हम इसको कहते हैं ये गीति नाम है। देखो एक तो ये कथन होता है कि गीति विशिष्ट जो मंत्र है वो गीति शब्द से जाना जाएगा। गीति शब्द का मतलब क्या है, गान विशिष्ट मंत्र। एक तो ये अर्थ लेंगे साम के कि गीति से विशिष्ट ऋक्, उस बिना उसके होती नहीं है, लेकिन वास्तव ये जो यहां जो इन्होंने प्रस्तुति दी है वो कहा है कि ये जो रथंतर आदि हैं वो केवल गीति के वाचक हैं, ऋचाओं के वाचक नहीं है। यद्यपि ऋचित धुनम साम गीयते, साम का गान ऋचा पर गाया जाता है, तो साम ऋचा से भिन्न चीज हुई, वो उसका अधिकरण के रूप में कहा जा रहा है, ये उस पर आधार आधेय है, उस पर आश्रित है ये, तो इसलिए दोनों तो अलग अलग हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें रिक का स्पर्श भी नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि साम मतलब रथंतरादि साम मतलब तो रिक, ये कह रहा है कि उसका स्पर्श भी नहीं है, तो शुद्ध गान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे किंच प्रसिद्ध ग्रहणत्वात्, सूत्र में जो प्रसिद्ध ग्रहणत्वात् था उसके लिए इसने प्रश्न किया, उत्तर दे रहे हैं अयम च गायति इति शब्दो गान क्रियायाम प्रसिद्ध, ये जो गायति शब्द है वो गान क्रिया में प्रसिद्ध है लोक में। कह पुनरसौ, और बोले ये गान क्या होता है, बोले शब्दस्य उच्चारण विशेष, शब्दों का उच्चारण विशेष ही गान है और क्या है। हालांकि गुनगुनाते भी हैं, बिना शब्दों के भी गुनगुनाते हैं, पर कुछ तो ध्वनि होती है वहां पर,
लेकिन सामान्यतः जो गान होता है वो शब्दों का ही उच्चारण विशेष है, शब्दों का ही उच्चारण विशेष है, यानी शब्द तो वहां फिर भी रहते ही हैं। गायति इसी को खोल रहे, गानम करोति इति, गायति का मतलब गान, गान को करता है। तत् ग्रहणश्च रथंतरादि शब्दः, तो रथंतरादि शब्द हैं वो उसको ग्रहण कराने वाले हैं, तत् ग्रहण है उसके ग्राहक हैं ये। तद्वचन इत्यर्थ, उसका मतलब क्या हुआ कि ये रथंतरादि शब्द उस और उसको कहने वाले हैं, तद्वचन इत्यर्थ। तद्ग्रहणश्च रथांतरादि शब्द को ही खोल दिया इन्होंने, तद्वचन इत्यर्थ। जो गीति है, गान है, उसको कहने वाले ये वचन है। तेन समुच्चारणात् द्वितीय सामर्थ्याच्च, और क्यों उसको कहते हैं गान, क्यों कहते हैं, बोले एक तो गायति शब्द उसके साथ साथ पढ़ा गया है, रथंतरम गायति ऐसे, तो समुच्चारण पास में उच्चारण किया गया है और द्वितीय का सामर्थ्य भी है। जब हम कहते हैं रथंतरम गायति तो रथंतरम में द्वितीय विभक्ति है, तो इससे भी एक तो गायति पास में पढ़ा हुआ है और रथंतरम में यदि कोई अन्य विभक्ति होती तो फिर भी अंतर कर सकते थे, लेकिन रथंतरम गायति द्वितीय विभक्ति है, इससे पता लगता है कि रथंतर गान ही है। हाँ जी, अस्मिन् एव पृष्ठे चतुर्थी पंक्ति तत्र तो लिखित अस्ति रीति ऐसा शब्द दृष्ट तत्र गीति विशिष्टायाम रीति ऐसा शब्द, पुनः अंतिम पंक्ति अस्य परिच्छेदस्य अतो नास्ति रीति शब्द ने संस्पर्श कथम समन्वय भवति। नहीं, इसमें ऐसा देखा जाता है तत्र गीति विशिष्टायाम रीति ऐसा शब्दो दृष्ट, गीति विशिष्ट ऋक में ये शब्द देखा जाता है, तो क्यों देखा जाता है उसके लिए आगे इन्होंने कहा कि न च अग्रहित विशेषणा विशेष्य बुद्धि रूपोपपद्यते, जो ऋचा है उसमें जब तक विशेषण नहीं लगाया जाएगा उसका गान का नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक वो उसका विशेष बुद्धि उपलब्ध नहीं होती है, उसकी पता नहीं लगता है, इसलिए वो साथ साथ में कहे जाते हैं। और साथ साथ में कहे जाते हुए यूं लगता है जैसे कि गान और ऋक दोनों को मिला करके कथन किया जा रहा है, पर फिर इनका आगे का प्रतिपादन यही है कि वास्तव में साम का मतलब गान ही होता है, यद्यपि ऋचाओं में लिया जाता है लेकिन गान मतलब केवल गान ही होता है। आचार्य वर्य, अत्र विशेषण रहितम विशेष्यम केवल अस्मिन् विषये एव अस्ति वा सर्वत्र लोके अपि तथा प्रचलत्? नहीं, आप प्रश्न तो आप यहाँ भी खड़ा कर सकते हो, मैं अगर यूं भी कह दूं कि नहीं और जगह तो नहीं केवल यहाँ लगेगा, तो भी प्रश्न तो आप यहाँ खड़ा करोगे। ऋक को तो हम वैसे भी कह सकते हैं बिना गान के भी, ऋक को नहीं कह सकते क्या विशेष्य को? लेकिन उसमें जब ठीक तरह से बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, जिस चीज को कहना चाह रहे हैं उसमें विशेषण से सहित कहते हैं तो एकदम स्पष्ट बुद्धि गृहित होती है, और विशेषण को विशेष्य के बिना कहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। मुख्य बात यहां है कि गान को अगर आप कहना चाहते हैं, विशेषण को कहना चाहते हैं, तो विशेष्य को भी तो कहना पड़ेगा, इसलिए वो साथ साथ में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा ही गृहित होने लग जाता है कि ये गान विशिष्ट ऋचा को कहा कह रहे हैं। अवर्थ भी लिया जाता है, वो भी लिया जाता है, प्रचलित है, लेकिन जब यहाँ विशेष चर्चा चल रही है तो इनका कहना है कि ये वास्तव में तो गान को ही कहते हैं। कवतीशु रथंतरम गायति, अब इसमें रथंतर शब्द किसको कह रहा है? कवती तो ऋचाओं को कह ही रही है, अब रथंतरम गायति, रथंतर का मतलब अब यहाँ हम केवल गान लें या गान विशिष्ट ऋचा लें? केवल गान ही तो लिया जाएगा क्योंकि कवती में ऋचा तो आ चुकी है, तो ऐसे में ऐसे वाक्यों में जब रथंतर शब्द का प्रयोग होगा तो वो केवल गान के लिए होगा। कवतीशु रथंतरम गायति, ये यहां पर चर्चा चल रही है, इसलिए इन्होंने कहा कि ततो नास्ति ऋचा शब्देन संस्पर्शः इति, उससे स्पर्श भी नहीं है, यानी बिल्कुल अलग अलग है उससे। तो एक तो पास में पढ़ा गया है अंतिम पंक्ति में देखिए, और द्वितीय का सामर्थ्य भी है, द्वितीय विभक्ति का वहां पर प्रयोग किया गया है। यथा जैसे उदाहरण दे रहा है ये, आसारितकम गायति इति, वर्धमानकम गायति इति, ये लौकिक गान है, उसमें प्रचलित रहे होंगे इस नाम के गान कि उसको गाता है, उसको गाता है। इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं ननु शब्द वचने नापि समुच्चारणम भवति, बोले इनका उच्चारण तो, ये जो गायति शब्द है गायती के लिए कहा, आसार तकम गायती आदि, यानी गीति को गाता है,
पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो शब्द को कहने वालों के साथ भी इस गायत्री शब्द का प्रयोग होता है, जहां गान नहीं केवल शब्द को कहा जाता है, जैसे गाथाम गायती, ऋचम गायती, ये भी शब्द होते हैं, गाथा को गाता है, ऋचा को गाता है। तो यहां अब शब्द समूह के लिए कहा जा रहा है, शब्द वचन है, ये गान वचन नहीं है गायती, ये शब्द वचन है। अभी इन वाक्यों के अंदर बोले इसमें भी प्रयोग होता है इसका। तो वेदांती कहता है सत्यम विपरिणम्य तो शब्दम गाने न ऋचम संस्करोती इति, पूर्ण विराम। बोले ऐसा प्रयोग होता तो है लेकिन शब्द को बदल करके होता है। विपरिणम्य तो शब्दम, कैसे? गाने न ऋचम संस्करोती इति। ऋचम गायती का मतलब क्या हुआ? गाने न ऋचम संस्करोती, ये अर्थ है वहां पर। आगे यथा निपतिते न अर्थे न संबध्यते, जैसे यहां पर शब्द रखे गए हैं वैसे अर्थ से संबंधित नहीं होता है। क्या होना चाहिए? गानम करोति ऋचमिति, ऋचम गायति का सीधे सीधे अर्थ क्या करेंगे? गानम करोति मतलब तो नहीं, गायति मतलब तो गानम करोति, और किसको गाता है? तो ऋचम, गानम करोति ऋचम, ऐसे शाब्दिक अर्थ तो यहां पर है लेकिन इसका अर्थ क्या मन निकलता है? गाने न ऋचम संस्करोति। तो बोले ऐसे संबंध नहीं बनता है कि गानम करोति ऋचम इति, तस्मात गीति वचन, इसलिए केवल गीति का वाचक ही गायन होता है। इतस्य गीति वचन, और भी कह रहे हैं कि क्यों ये गायन गीति वचन है, कुतः? विकारो ही अविशिष्टो अन्य ही, क्योंकि इसमें विकार जो होता है वो अन्यों से अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट का मतलब है ये विकार केवल बस यही विकार होता है, गान से संबंधित ही विकार होता है, इसमें और तरह के विकार नहीं होते, और विशेषण वाले विकार नहीं होते, केवल गान से संबंधित ही होता है, अन्य संस्कार नहीं होते, केवल यही संस्कार होता है इससे। विकारो ही अविशिष्टो अन्य ही, अभी आगे स्पष्ट होगा। विकारश्च अत्र ऋक् द्रव्य से दृश्यते, विकार किसका हो रहा है? ऋक् द्रव्य का है? हाँ, अविशिष्ट है मतलब समान है ना। विकारो ही अविशिष्टो अन्य, अन्यों से अविशिष्ट है जो विकार है वो अन्य विशेषणों से युक्त नहीं है। अभी और आगे स्पष्ट होगा। तो यूं भी कह सकते हैं आप, समान भी कहना चाहते हैं तो भी विकारो ही अविशिष्टो अन्य ही, अन्य जो संस्कार कर्म है उनके जैसा ही ये भी संस्कार कर्म है। ये जो विकार है ये क्या है? एक संस्कार कर्म है, ऋचा में परिवर्तन करता है, विकार करता है, मतलब ऋचा को संस्कारित करता है। तो जैसे और संस्कार कर्म होते हैं वो परिवर्तन लाते हैं, वैसे ये भी ला रहा है यहां पर। गीति वचन है कुतः? विकारो ही अविशिष्टो अन्य ही, विकारश्चात्र ऋक् द्रव्य से दृश्यते, और गीति रूप विकार किसका हो रहा है? ऋक् द्रव्य का हो रहा है। ह्रस्वानाम अक्षराणाम दीर्घता, दीर्घाणाम च ह्रस्वत्वम, तो ह्रस्व को दीर्घ कर देता है, दीर्घ को ह्रस्व कर देता है। और विवृतानाम समृतत्वम, समृतानाम विवृतत्वम, विवृत को समृत, समृत को विवृत कर देता है। सो अविशिष्टो अन्यी संस्कार कर्म भी, अन्य जो संस्कार कर्म होते हैं उनसे ये अविशिष्ट है, बस यही होता है, गीति रूप ही होता है, अन्य कुछ नहीं होता। और जैसे अन्य संस्कार कर्म परिवर्तन करते हैं वैसे ये भी परिवर्तित कर देता है। जैसे यथा अवहंतिना व्रीहीणाम तंडुली भाव, अवनन करने से व्रीहियों का तंडुली भाव होता है तो छट जाता है, और पिशिना तंडुला नाम पिष्टि भाव, पेषण करने से चावलों को का चूर्ण बन जाता है। तस्मात, यानी ये जो बताए हैं इन्होंने, ये अन्य संस्कार कर्म है, इससे विकार आता है, संस्कार कर्म से विकार आता है, गीति गीति से रिक में विकार आता है। तस्मात शब्दानाम संस्कारो गानाख्यो रथंतरादि भी शब्द ही रुच्यते, इसलिए शब्दों का संस्कार, गान नामक रथंतरादि गान नाम वाले, रथंतरादि जो गान के नाम है उनके द्वारा कहा जाता है। रथंतरादि भी शब्द ही, रथंतरादि शब्दों से इनका संस्कार कहा जाता है। तस्यायम प्रदेशो, उसी को यहाँ पर बताया गया, रथंतरम उत्तरयोर गायति इत्येवम आदि, रथंतर को बाद की दो ऋचाओं में भी गाता है, जिसका मतलब है वहां पर ऋचाओं में विकार करता है, ये संस्कार कर्म हुआ। चौदहवां सूत्र, अद्रव्यम चापि दृश्यते, और ये जो साम है
ये अद्रव्य दिखाई देता है, द्रव्य नहीं होता। कैसे वो आगे बताएंगे, अपिच अद्रव्यम साम दृश्यते, साम जो है वो अद्रव्य है, बिना द्रव्य वाला निराधार है। द्रव्य कौन है, तो द्रव्य शब्द छंदो गैर रिक्षु आचरिता, द्रव्य शब्द जो है वो छंदोगों के द्वारा ऋचाओं में कहा गया है। ऋचाएं हैं वो द्रव्य कहलाती हैं, और ये जो गान है ये उन पर किया जाता है, यानी ये गुण हो गया। गुण अपने आप में आधार रहित है, यानी द्रव्य से रहित है, लेकिन गुण द्रव्य में ही रहेगा। अगर द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं रहेगा। तो ऋचाएं तो द्रव्य की तरह से हो गई, द्रव्य शब्द को द्रव्य शब्द से उसका प्रयोग करते थे सामवेदी, तो ऋचाओं को द्रव्य नाम से कहते, और गीति जो है वो गुण कहलाएगा उनका। अद्रव्यम अनऋचम इत्यर्थः, जब कहा कि अद्रव्य, जब अद्रव्य ये जो कहा, अपिच अद्रव्यम साम दृश्यते, साम जो है वो अद्रव्य दिखाई देता है, सूत्र में जो भी अद्रव्य कहा तो उस अद्रव्य को खोला उन्हें, अनऋचम इत्यर्थ, बिना ऋचा वाला। रिक्त तो द्रव्य है लेकिन साम अद्रव्य है। अनऋचम साम दृश्यते, बोले बिना ऋचा वाला साम भी देखा जाता है, यदि रिक्त ही साथ में हो हमेशा तो साम बिना ऋचा के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बिना ऋचा वाला भी साम देखा जाता है। उसके लिए एक वचन दिया इन्होंने, प्रजापतेर हृदयम अनऋचम गायति, तो प्रजापति देव के लिए प्रजापति हृदय नामक ये प्रजापतेर हृदयम, तो वैसे तो इन्होंने प्रजापति हृदय नामक साम का कथन किया है, तो या तो प्रजापति देवता के लिए हृदयम अनऋचम गायति, बिना ऋचा वाला गान करता है। यदि प्रजापति हृदयम नाम सामा, प्रजापति हृदय नाम का एक साम हो गया, तो प्रजापति के लिए होता होगा, प्रजापति हृदय नाम का एक साम, साम का नाम है, वो तो बिना ऋचा के गाया जाता है। हाँ देखते हैं, देखो तद अनऋचम अनऋचि उत्पन्नम, ये बिना ऋचा के ही उत्पन्न होता है। यदि ऋचि साम शब्द, यदि ऋचा में ही साम शब्द हो तो कथम प्रजापति हृदय अनऋचम स्या, तो प्रजापति हृदय नाम वाला अनऋचि कैसे हो सकता था। तो देखो, जब प्रजापति मतलब परमात्मा, जब परमात्मा का गान हृदय से करते हैं, तो वहां फिर किसी शब्द की वाक्य की आवश्यकता नहीं रहती, मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती, वो सीधे भावना से ही वहां भावना होती है। एक भाव बन गया, अंदर बन जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसको आप गान से भी ले लो तो गुनगुनाने से लेते हैं, गुनगुनाता है तो वहां शब्द छूट जाते हैं, धुन को बस आऊं आऊं करते हुए जो भी बोलना होता है ऊं करते हुए गुनगुनाते हुए गाता है वो। तो गाना कौन सा हृदय से होता है, शब्द से या गुनगुना से है? गुनगुनाते रहते हैं ना, वैसे एक भजन सुना, गीत सुना, वो भी हृदय से गाया जाता है, बोला जाता है, लेकिन कई बार वो शब्द तो चले जाते हैं और बस वो गुनगुनाता रहता है, वही 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 चलता रहता है। तो अभी तो साम है, साम को ऋचा में भी गा सकते हैं, लेकिन अगर प्रजापति के प्रति हृदय खुल गया है हमारा तो बिना ऋचा के भी गाया जा सकता है। ये भी अप है, अवकाश है इसको भी बिना ऋचा के ही हो, ऋचा से ही हो ऐसा नहीं। यानी कि वेद मंत्र मिलता है स्तोमयीर विधेय माग्नेय, वहां पर दर्शन योग महाविद्यालय के भवन में, विशाल भवन में वहां लिखा हुआ है ऊपर मंत्र है, कि हम वेद मंत्रों से परमात्मा की स्तुति करें, वेद मंत्रों के द्वारा। यानी वेद खुद कहता है कि हम परमात्मा की स्तुति कैसे करें, वेद मंत्रों के द्वारा करें, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। और लेकिन थोड़ा अवकाश इसको भी है कि कभी मंत्र नहीं हो और हम बैठे हों भावना में, वो भी बैठ सकते हैं। उपासना के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके अंतर्गत इसको भी ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि ऋचि साम शब्द कथम प्रजापति हृदयम अनऋचम स्यात्, अथ गीति गीतौ एव नाम शब्द साम शब्द, यदि गीतौ एव साम शब्द ततो बिनापि ऋचा गीतिर्भवति, तो यदि गीति में ही ये साम शब्द हो
तब तो बिना ऋचा के, बिना भी ऋचा, ऋचा बिना भी गीतिर भवति, बिना ऋचा के भी गीति हो सकती है, नहीं तो गीति नहीं कहला सकती थी। तत्र इतत् उपपद्यते, तभी ये संपन्न हो पाता है, ये वचन संगत हो पाता है, प्रजापते हृदय अनृचम गायती थी, तस्मादपि गीति सामा, इसलिए साम केवल गीति है। ठीक है, तो परमात्मा की उपासना सीधे भी हो सकती है, एक वाक्य, कविताएं, मंत्र, ये भावनाओं की ही तो अभिव्यक्ति है। कविताएं, गीति, क्या क्या है, भावनाओं की तो अभिव्यक्ति है ना। वो परमात्मा ने बना के दे दिए मंत्र हमारे को कि हम तुम ऐसी भावनाओं को करो, तो भावनाएं वैसे उत्पन्न नहीं होता, हो पाती तो हम गीत का सहारा लेते हैं, हम कविता का सहारा लेते हैं, हम गजल का और क्या बोलते हैं शायरी का सहारा लेते हैं। और जब वो ही भावना हमारी उनमें प्रकट हो जाती है, हम उसको बोल करके अपनी भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करते हैं, इसलिए तो इनका सहारा लेते हैं। ये नहीं हो, ये बोली जाती है तो लगता है जैसे हमने कुछ अच्छी तरह भावों को प्रकट कर दिया, नहीं तो हम सामान्य शब्दों में बोलते हैं तो हमारा भाव वैसा प्रकट नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें भावनाओं को प्रकट करने के लिए, भावनाओं को पैदा करने के लिए हैं। लेकिन यदि हमारा भाव वैसे ही पैदा हो गया है तो फिर ये किसी काम के नहीं रहते, बिना उसके भी चल जाते हैं। किसी के प्रति हमारे को कोई भाव हो, अब कवि ने तो बहुत अच्छी कविताएं लिख करके प्रकट कर दिया, नहीं बैठे हैं यहां पर, तो कवि ने तो अपने भावों को प्रकट कर दिया, बड़ी अच्छी कविता, लोगों को भी लगता है जैसे कि किसी के प्रति जैसे श्रद्धांजलि हो, सम्मान समारोह हो, तो जो कोई कविता में पढ़ता है ना तो लगता है जैसे कि तो को क्या प्रशंसा की है। वो भी प्रस्तुति होती है अंदर जैसा भी हो, लेकिन वाक्यों से, कविताओं से, उसकी प्रस्तुति से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना है। और दूसरा कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास भाषा नहीं है, कविताएं नहीं है, लेकिन उसको भावना प्रकट करनी है, बोल के या तो बिना बोले भी वो प्रकट करता है, वो भी माध्यम है। और जो भावना को ग्रहण करने वाला है वो वैसे भी ग्रहण करता है कि नहीं बहुत भाव से आया है, बिना शब्दों के भी वो चीज़ें पहुंचती हैं, तो भी एक तरीका है। ये भी ऐसा ही यहाँ पर भी लगेगा। हाँ, स्वभावना वेद विपरीत अभी भवितुम अर्हति है, स्वभावना जस्य भावना, वेद के विपरीत होगी तो वो ठीक नहीं है, नहीं। देखिए, इस वाक्य का ये अर्थ थोड़ा ना हुआ कि बिना ऋचाओं के ही गान करना चाहिए, इसका ये अर्थ थोड़ा है। कितने कितने गान हैं, सब ऋचाओं में ही किए जा रहे हैं, अधिक असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बात कही जा रही है तो जैसे कि ये तो वेद को ही उखाड़ दिया, मंत्रों को ही उखाड़ दिया, फिर क्या होगा, कोई भावनाएं और आहत होने की आवश्यकता नहीं है कि तो इसको कोई महत्व ही नहीं दिया है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। वक्ता का तात्पर्य क्या है, ऐसा है ही नहीं। ये भी इतनी ऋचाएं हैं, ऋचित दुर्णम साम गीयते, ये कथन है और इतने सारे सब उल्लेख ही कर रखे हैं, लेकिन इसको भी अवकाश है। मैं शुरू से कह रहा हूं ये भी एक जगह है, ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा, पर हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा अगर अवकाश दे दिया, बोले फिर तो सारा ही, फिर तो कौन ऋचाओं से करेगा, इसलिए वो इतना सा भी अवकाश नहीं देना चाहते। एक शैली होती है अध्यात्म में भी, इस तरह की शैली तब होती है जब व्यक्ति असुरक्षित होता है, आशंका से ग्रस्त होता है, होता है कि नहीं, इतनी सी छूट दे रही फिर तो ये तो सारे ही छोड़ देंगे, अब वो वहां सत्य से हट जाता है। तो भी ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। उनको डर क्या है कि नहीं, इनको अगर हमने कह दिया तो फिर तो बिल्कुल ही छूट हो जाएगी। नहीं, जितना है, जब हम तत्व की चर्चा कर रहे होते हैं, जितना छूट है तो है, ये भी हो सकता है, ये हमें मानना पड़ेगा। छूट नहीं है, अगर हम कह रहे हैं छूट नहीं है तो मतलब नहीं है, अथवा कहेंगे इनके लिए छूट नहीं है, फिर हम बस उसी में हो जाते हैं
इसलिए बहुत सारी चीजों में बंध जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, नहीं ये तो होना ही चाहिए, अगर यूं ढील देने लगे फिर तो बहुत ढील हो जाएगी। इसलिए कई जने तो बिल्कुल बांध करके रखते हैं। कुछ है कि नहीं, इतनी छूट दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, बांध करके नहीं रखेंगे। इतरता अंध परंपरा है, इतरता अंध परंपरा, हाँ इतरता अंध परंपरा, तो उसमें संकोच ज्यादा होता है ना, डर ज्यादा होता है, सामने वाले पे विश्वास नहीं होता है पूरा, सब व्यवहारों के अंदर, घर में, संस्थाओं में, राष्ट्र में, अधिकारी को, नेता को, है कि भाई ये कुछ गलत ना कर दे तो वो हर काम फिर खुद करने लगता है, नहीं छूट दे दी इनको थोड़ी सी स्वतंत्रता फिर तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति हर चीज को अपने पास ही रखना चाहते हैं, हर नियंत्रण, हर सब चीज, जो वो कहे बस वैसा का वैसा ही और कुछ नहीं इधर उधर का। वो इतना व्यवहारों के कर्मों में भी और विचारों में भी गुलाम बना देते हैं व्यक्ति को, यानी अपने आप बिल्कुल भी नहीं सोचना, भटक जाओगे, इधर उधर चला जाओगे, दूसरी पुस्तक मत पढ़ लेना भटक जाओगे, दूसरे का प्रवचन मत सुन लेना भटक जाओगे, दूसरी संस्था में मत चले जाना भटक जाओगे, दूसरी ध्यान पद्धति को मत सीख लेना भटक जाओगे। उनके व्यवहार ऐसे हो जाते हैं, बहुत सी जगह जैसे होता है, उनको पता है, वो कहते हैं नहीं दूसरों के ग्रंथ ही नहीं पढ़ने, बिल्कुल बंद कर देते हैं, अपने दिखाते नहीं है दूसरों को, और उनके चेलों को इतना बांध के रखते हैं, उनको अपने बाड़े की सुरक्षा होती है, असुरक्षा होती है, ये कहीं भेड़ें चली ना जाएं इधर बाड़े से निकल करके, भाग ना जाएं, दूसरे बाड़े में ना चली जाएं, डरते हैं वो, उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, इनको विश्वास हो कि नहीं, और स्वतंत्रता के भी हो कि कोई बात नहीं, इनको जैसा ठीक लगता है, अपनी ज़्यादा चिंता नहीं हो, ज़्यादा स्वार्थ में नहीं हो तो ठीक है, हमारा अगर अच्छा है तो ये भेड़ें दूसरे बाड़े में जाएंगी भी तो वापस यहीं आएंगी, वो जा नहीं सकते, और भेड़ों को प्रशिक्षित कर रखा है तो अपने प्रशिक्षण का पे भी विश्वास होता है ना कि नहीं मैंने प्रशिक्षित किया है इनको, ऐसे कैसे चली जाएंगे, जाएंगी भी तो भी आएंगी यहीं पर ही, उनको अपने प्रशिक्षण पे भी विश्वास नहीं होता है, अपनी भेड़ों पे भी विश्वास नहीं होता है और अपने पे भी विश्वास नहीं होता है, अपने प्रशिक्षण पे विश्वास नहीं होता है, लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि कोई कोई भेड़ चली भी जाती है इधर उधर वो असुरक्षित हो जाते हैं उससे, अब ईश्वर पता नहीं कहाँ चला जाता है कि ये हो गया तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, ईश्वर है ना, तो ईश्वर सब कुछ है, एक तरफ कहते हैं तो ठीक है चली गई तो चली गई, क्या है, क्या हो जाएगा, संस्था का क्या होगा, व्यक्ति का क्या होगा, वेद का क्या होगा, अरे होगा जो होगा, ईश्वर हमारे से ज्यादा जानता है और ईश्वर हमारे से ज्यादा इसकी रक्षा की चिंता करता है, हमारे को वेद के प्रति अधिक निष्ठा है या ईश्वर को है, उसकी तो अपनी चीज है, वो उसको प्रस्तुति वो करेगा ना, हम क्यों इतने असुरक्षित असुरक्षित हो जाते हैं, अंदर का भय आशंका, ईश्वर पर पूरा विश्वास ना होना, इस कारण से फिर वो मर्यादाएं होती है, इतना सा भी अवकाश नहीं, बिल्कुल नहीं अवकाश, जितना ज्यादा जो सख्त करके रखता है ना वो उतना ही ज्यादा असुरक्षित है मानसिक रूप से, और अविश्वास कर रहा है वो दूसरों के ऊपर, तो खुले में ठीक है जाओ ना, कहीं जाओ, कहीं घूमो, देखो सुनो, कोई बात नहीं, समय और शक्ति की हानि होगी, इसमें बहुत समय और शक्ति की हानि हो जाती है, वो अंदर ही अंदर सोचता है मेरे को जाने नहीं दिया, वहां देखने नहीं दिया, समझने नहीं दिया, और उल्टा हो जाता है, और उन पे भी अविश्वास हो जाता है, जिनसे जितना सीख सकते थे उन पे भी अविश्वास हो जाता है, और उसको पता लगता है, पता लग जाता है, और दूसरी जगह कहीं ना कहीं से तो कोई हमेशा तो बांध के रख नहीं सकता, ईश्वर तो है नहीं कि सब नियंत्रित कर ले, तो कहीं ना कहीं तो बाहर की हवा लगती ही है उसको, बाहर की हवा लगती है ना, कितनी खिड़की बंद करोगे जुखाम से बचाने के लिए, तो घुटन होगी फिर, अगर सारा बंद कर दिया भाई जुखाम नहीं लग जाए, बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, सब कुछ बंद कर दो तो ठीक है, श्वास अच्छा नहीं आएगा, ऑक्सीजन अच्छी नहीं आएगी, जैसे जी रहे होंगे लेकिन अच्छा तो नहीं होगा, ठीक है जुखाम नहीं होगा इसको, थोड़ी खिड़की भी खोली, बाहर की हवा लगेगी तो लगेगी, कोई बात नहीं, जुखाम भी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे, ताजा तो रहे हवा से, संतुष्ट तो रहे,
नहीं ठीक है दृष्टि भेद है, है? क्या आपके मन में था? तो आप पता ही है ना मेरे को, तभी तो बोल रहा हूं आप बोलते भी रहते हो, आपका चेहरा बोलता है, आप यही कह सकते हो और क्या कहोगे, क्योंकि स्वीकार तो होगा नहीं, आपको खंडन करना नहीं चाहते, खंडन करोगे तो फिर यूं लगेगा कि भाई ठीक नहीं किया, क्योंकि खंडन नहीं करना चाहिए, ये दृष्टि भेद है। अब इससे हम बच जाते हैं कि कौन सच है कौन झूठ है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, दृष्टि भेद है जबकि भाव ये रहता है कि मैं सच हूं और दूसरा गलत है लेकिन एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार होता है अभिजात्य वर्ग का। आध्यात्मिक लोग भी एक विशेष अभिजात्य वर्ग में चले जाते हैं, दूसरे तो लौकिक होते हैं अलौकिक होते हैं, एक आध्यात्मिकों का भी एक कुलीनता होती है ना, आध्यात्मिक लोगों की भी, जैसे संपन्न लोग एक कुलीनता बना लेते हैं ना अपनी, एक अपना स्तर स्टेटस रहता है, बस उससे नीचे नहीं, उसी में जीते हैं वो, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्तियों का भी बनता है, उससे इधर उधर, भाई ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते और कुछ करें, जबकि है कुछ नहीं, दुनिया करती है वो भी है, नहीं हम नहीं कर सकते ऐसा। अब वो अभिजात्य वर्ग का होगा, बोले बाजार में जाना है तो पैदल नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते, जाएंगे तो गाड़ी में ही जाएंगे, वायुयान में ही जाएंगे, रेल में नहीं जा सकते, या कार में ही जाएंगे, बस में रेल में नहीं जा सकते, बिना नौकर के नहीं जा सकते, वो बड़ी उनके लिए बेइज्जती की बात है, खुद सामान लेने नहीं जा सकते, बड़ी बेइज्जती की बात है, एक अपना अलंकरण किया हुआ है उसको बनाने में रखने में बनाए रखने में बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, तो अलंकरण तो बनाया है तो अर्जित किया है तो अर्जित की रक्षा तो करनी ही चाहिए और अर्जित का वर्धन भी करना चाहिए, तो पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है और बस वो उसमें रहता है, इसको दूसरे शब्द में कहो तो लोकेष्णा में रहता है, उसको बचाने में ही रखने में ही उसको इतना है, अगर उसको हटा दे थोड़ी देर के लिए उसको लग जाए, जैसे कि कई बार संपन्न लोग गरीब हो जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है उनको जीना, मन में ही रहता कि मैं संपन्न था, मैं कुलीन घर का था और ये था, मैं राजघराने का था हूं, ये करके वो उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं, और एक बार उस चोले को उठा करके रख दे अगर वो, भाई ठीक है मैं गरीब हूं और दुनिया में इतने गरीब हैं, कैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, चलते फिरते जो भी कर रहे हैं, रह रहे हैं एक छोटे से कोठड़ी में, जैसा भी ये कर रहे हैं, वो चीज दिमाग से उतार के रख दे, फिर उसको कोई दिक्कत ही नहीं, बंधन ही है, बंधन तो उसने खुद ने लगा रखे, तो ऐसे कुछ बंधन भी होते हैं, इतना सा इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे होते ही तो उनकी अभिजात्य वर्ग में या तो उनकी आध्यात्मिकता में दोष आ जाता है, उनका डोल जाता है सिंहासन, सिंहासन या मुकुट डोल जाता है फिर उनका, तो उसको तो बचा के रखना पड़ता है अर्जित को, तो बिना ऋचाओं के भी कर सकते हैं। ठीक है, तस्मादपि गीति सामा, आगे देखिए 15वां, ननु उक्तम संस्कार कर्मत्वे अनर्थ को अकर्म काले प्रयोगा इति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमने आपको यह कहा था, अगर आप इसको संस्कार कर्म मानते हो तो अकर्म काल में जो इसका प्रयोग है वो अनर्थक होगा, स्वाध्याय अध्येतव्य वाली जो बात थी उसमें प्रयोग करोगे तो ये व्यर्थ हो जाएगा, पृष्ठ संख्या 2070 के ऊपर जो चर्चा थी तो उसी को वो उद्धृत कर रहा है कि ये कैसे, उसका उत्तर दो, तो तत्र ब्रूमा, इसमें सिद्धांति ही बोल रहा है ये 15वां सूत्र, तस्य च क्रिया ग्रहणार्था, बोले वहां जो क्रिया है वो ग्रहण के लिए है, समझने सीखने के लिए है, वहां पर भी होगा ये। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये गान है ये तो फिर कर्म काल में ही होना चाहिए, अकर्म काल में नहीं होना चाहिए, वहां अगर इसको ऋक मानेंगे तो अकर्म काल में भी हो सकता है, ये कह रहा है कि नहीं,
ग्रहण के लिए अकर्म काल में भी होती है, कर्म के समय क्यों, सीखने के लिए होती है ना वहां पर। तो तस्य च क्रिया ग्रहणार्था, ग्रहण के लिए, सीखने के लिए, अभ्यास के लिए होती है। नानार्थेषु विरूपित्वात्, भिन्न भिन्न अर्थों में वो विरूपित होती हैं, भिन्न भिन्न रूपों वाली होती हैं। ये जो चूंकि ऋचाएं अलग अलग होती हैं, उसमें अलग अलग तरह के गान होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। एक भी गान हो तो भी ऋचा के अभेद से उसमें कुछ कुछ अंतर आता है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा तो होता नहीं है। तो नानार्थेषु विरूपित्वात्, अर्थो ही असाम लौकिको, और इनका जो ये जो संज्ञाएं हैं इनका अर्थ अलौकिक, लोक से ज्ञात नहीं होता है। अगर लोक से ज्ञात हो जाता तो अध्ययन काल में बताने की आवश्यकता नहीं थी, अकर्म काल में लोक से ही पता लग जाता। लेकिन ये जो रथांतर आदि साम है, ये लोक वाले साम तो है नहीं, तो इनको तो गुरु ही पठन पाठन के समय में बताता है, अभ्यास कराता है। अर्थो ही असौ असाम ही असौ अर्थो ही असाम लौकिको विधानात्, क्योंकि इसका विधान किया गया है, उपदेश होता है विधान के कारण, विधान करके ही इनको बताया जाता है। भाष्य, तस्य क्रिया अकर्म काले ग्रहणार्था, इनकी जो क्रिया है अकर्म के काल में होती है वो ग्रहण के लिए होती है, ग्रहणार्था। शिक्षितुम अभ्यसितुम च, सिखाने के लिए और अभ्यास के लिए। नानार्थेषु नाना भूतेषु अर्थेषु भिन्नेषु इत्यर्थ, नानार्थेषु जो सूत्र में कहा उसको इन्होंने खोल दिया, नाना भूतेषु अर्थेषु भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों में, उसी को आगे खोल दिया भिन्नेषु इत्यर्थ भिन्न भिन्न में। विरूपित्वात्, सूत्र में जो कहा विरूपित्वात् उसको खोल रहे हैं। आश्रय भेदात विविध रूपम यत गानम भवति, आश्रय भेद यानी ऋचा के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का वो होता है। तत् प्रत्यरिचम शिक्षितव्यम अभ्यसितव्यम च प्रयोग प्राशुभाव है, तो उसको हर ऋचा में सिखाना होता है, अभ्यास करना होता है प्रयोग प्राशुभाव के लिए, यानी उसका प्रयोग आसानी से सरलता से हो। तो यद्यपि उसको सिखा दिया है एक मंत्र में कर दिया है, लेकिन फिर भी अन्य मंत्रों का भी अभ्यास बोल बोल के कराया जाता है, लेकिन जाके जब प्रयोग हो, प्रयोग काल हो, तो शीघ्रता से और सरलता से जो का तू बोला जा सके। भूमि रथिक वत, जैसे भूमि पर रथ आदि का चिन्ह बना करके सीखा जाता है भूमिक रथिक के समान, तद्यथा भूमि रथिको भूमौ रथम आलिख्य योग्यताम करोति, भूमि पर रेखा करके योग्यता को बनाता है, रेखा चित्र आदि करके डिजाइन बना करके करते हैं। सा तस्य प्रयोग काले सौकर्यम उत्पादयति, तो ये जो योग्यता है वो प्रयोग के काल में सुकरता को, आसानी को बनाती है। अर्थो ही आसाम रथंतरादि संज्ञानाम न लौकिके व्यवहारे सिद्धा, और इनका अर्थ रथंतरादि संज्ञाओं का अर्थ लौकिक व्यवहार में सिद्ध नहीं होता है। यथा अवहंत्यादि नाम, जैसे अवहनन आदि का तो लोक में प्रसिद्ध है, यहाँ भी अवनन होगा तो लोक में भी व्यवहार के लिए अवनन होता है तो उसका पता रहता है, लेकिन इनका तो पता नहीं रहता है। कुतः विधानात, विधीयते ही असौ शिष्योपाध्याय संबंधे न एवं रूपम रथंतरम भवति, ये शिष्य और उपाध्याय के बीच के संबंध से ये विधेय होता है, कहा जाता है कि इस प्रकार का रथंतर होता है। न लौकिको विज्ञायते, ये लौकिक नहीं है, लोक से नहीं पता लगता। तस्मात् न परिचोदना एषा अकर्म काले प्रयोगात इति, इसलिए ये आपका आक्षेप ठीक नहीं है। तो अकर्म काल में प्रयोग होने से ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसको ये कथन आक्षेप आपका ठीक नहीं है। आगे, अथ यदुक्तम संज्ञा पृथक्वाद इति, और आपने जो ये कहा था कि इनके नाम अलग अलग हैं, यदि आप इनका नाम गीति मानेंगे तो गीति तो सब एक ही जैसी हो जानी चाहिए, फिर तो नाम अलग अलग नहीं हो चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, ये भी 2070 में पृष्ठ के ऊपर। तो बोले ये जो हमने कहा था, तो उसका उत्तर 16वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। तत्रोच्यते तस्मिन् संज्ञा विशेषास्युर विकार पृथक्वात्, बोले वहां भी गीति सबका नाम होते हुए भी संज्ञा का भेद तो हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें विकार का भेद होता है, गीति सब है लेकिन उसमें अलग अलग तरह का विकार किया जाता है। तस्मिन् एकस्मिन् अपि गानाख्ये संस्कारे संज्ञा विशेषा भवेयु, तो एक गानाख्य संस्कार एक होते हुए भी उसमें संज्ञा विशेष हो सकते हैं। कुतः विकार पृथक्वात्, तुल्येपि गानत्वे गान विशेषो भवति, सब में गानत्व होते हुए भी गान का विशेष होता है। गान विशेषाच्च संज्ञा पृथक्तम, और गान की पृथक्ता होने से संज्ञा की भी भिन्नता हो जाती है। यथा आसारितकम वर्धमानक गीति, ये अलग अलग नाम है लोक में होते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएंगे। अन्यथा लक्षणा आसारितक गीति, अन्यथा नहीं, अन्यथा लक्षणा
आसारितक गीति अन्यथा लक्षणा वर्धमान नक गीति। तो भिन्न भिन्न लक्षण वाली ये दोनों गीतियां हैं, आसारिक और वर्धमान। एवं इहापि अन्यथा लक्षणा रथंतर गीति अन्यथा लक्षणा बृहत गीति, बृहत साम और रथंतर साम अलग अलग स्वरूप वाले हैं। तस्मात संज्ञा पृथक्तम, इसलिए संज्ञा की पृथक्ता तो फिर भी हो जाएगी। तो केवल संज्ञा की पृथक्ता होने से आप गीति की एक तत्व मान के रिक में ही इसकी संज्ञा करें, ये तो कोई बात बनी नहीं। आगे 17वां सूत्र है, योनि शस्याश्च तुल्यवद इतराभिर विधीयन्ते। तो एक ऋचा होती है योनिरिक, यानी तो जो गान किया जाता है उसकी जो मूल ऋचा होती है उसको कहेंगे। और शस्याश्च, शस्य कहते हैं शंसन करते हैं, गीति से युक्त करते हैं, शंसति। तो दो शब्द होते हैं, एक स्तोत्र होता है एक शस्त्र होता है। जब बिना गान के रिक को बोलते हैं तो वह शस्त्र कहलाता है, और जब गान के सहित साम का मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह स्तोत्र कहलाता है। गान सहित ऋचा होती है वो स्तोत्र कहलाता है, और बिना गान के रिक होगी वो शस्त्र का शस्त्र और स्तोत्र। तो उसके लिए स्तोत्र के लिए शंसन शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि योनि शस्याश्च, तो जो योनिभूत ऋचा होती है स्तोत्र होते हैं, और उसका शस्त्र साधनीभूत ऋचा भी, शस्त्र को बोलने वाली भी जो ऋचा भी है, तो तुल्यवत इतराभिर विधीयन्ते, ये समान रूप से इतरा भी दूसरी में भी, अर्थात जो अयोनि शस्याँ हैं ऋचाएँ हैं उनके लिए भी ये कथन किया जाता है। योनि रूप जो हैं उनके लिए भी कथन होता है, और अयोनि रूप हैं उनके लिए भी ये कथन होता है, दोनों में किया जाता है। बादशे देखिए, योनिश्चासो शस्या च योनि शस्या, द्वंद्व समास किया, योनि भी वही है और शस्य भी वही है, मतलब समानाधिकरण्य है ये योनि शस्या। योनि शस्याश्च ऋचः तुल्यवत इतराभिर अयोनि शस्याभिर विधीयन्ते। तो योनि शस्या ऋचः उसके तुल्य, उन्हीं के समान कौन होते हैं, अयोनि शस्य। कैसे, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, याम्याः शंसति शिपिविष्टवति शंसति रथंतरस्य योनिम अनुशंसति बृहतो योनिम अनुशंसति इति। तो देखिए इसमें अनुशंसति, एक तो याम्याः और शिपिविष्टवति, ये जो कथन किया है तो इन ऋचाओं का शंसन करता है, और इधर रथंतर और बृहत का भी नाम लिया गया, इनको भी शंसति अनुशंसति शब्द से प्रयोग किया गया। तो तत्र का तुल्यता, दोनों में क्या तुल्यता है, शंसति शब्देन विधानम, दोनों में शंसति शब्द से विधान किया गया। इह एतौ स्तौति शंसति शब्दौ समाने अपि स्तुत्यर्थत्वे व्यवस्थित विषयो। तो स्तौति और शंसति, स्तुति करता है और शंसन करता है, स्तौति और शंसति यद्यपि दोनों ही समान रूप से स्तुत्यर्थक हैं, स्तुति करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थित विषय वाले हैं, दोनों का सब जगह पे पर्याय के रूप में या कहीं भी किसी का प्रयोग नहीं होता है, व्यवस्थित हैं ये। कैसे खोल रहे हैं, प्रगीतेषु मंत्रवाक्येषु स्तौति शब्दः, जो गीत से युक्त जो मंत्र वाक्य हैं उसमें स्तौति शब्द होता है, और अप्रगीतेषु शंसति शब्दः, जब गीत नहीं होता है तो उन मंत्र वाक्यों में शंसति शब्द का प्रयोग किया जाता है, यथा प्रउगम शंसति निष्कैवल्यम शंसति। तो ये जो शंसति शब्द है ये अप्रगीत वाले हैं, और आज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते, ये स्तौति शब्द है, ये गीति सहित मंत्र का उच्चारण है। अतः संसति शब्देन विधानात अप्रगीतम ऋचम रथंतर से योनिम दर्शयति। तो यहाँ पर चूंकि संसति शब्द से इसका विधान किया गया ऊपर, तो इसलिए अप्रगीत ऋचा को रथंतर की योनि के रूप में बता रहा है, रथंतर की योनि के रूप में अप्रगीत ऋचा को बता रहा है, अभी गाई नहीं गई है। यदि च गीति ही रथंतरम ततस्तस्या अप्रगीता ऋक योनि, ये कभी हो सकता है जब गीत रथंतर जब गीति हो तब उसकी ऋचा अप्रगीत ऋक योनि जो है वो अप्रगीत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, अन्यथा अयम उपदेशों को पत्य थे, नहीं तो ये वचन ही नहीं बनेगा रथंतर से योनिम इति, ये रथंतर की योनि है, ये जो ऋचा है तो रथंतर की योनि है, रथंतर का कारण है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऋचा है वो अप्रगीत स्थिति में है, उस पर रथंतर गाया जा सकता है, साम गाया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो केवल ऋचा ही कही जा रही है, अप्रगीत कही जा रही है। तस्मात गीतिषु सामाख्या, इसलिए गीति में ही साम की आख्या समझनी चाहिए। आगे 18वां सूत्र, अयोनौ चापि दृश्यते अतथा योनि,
और ये जो शब्द हैं इनके प्रयोग बिना योनि वाली ऋचा में भी किए जाते हैं, देखे जाते हैं। और अतथा योनि यानी जिसकी जो ऋचा मूल ऋचा होती है उससे भिन्न ऋचा में भी वो देखे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, भाष्य से स्पष्ट होगा। और योनौ च सामदृश्यते, जो उसकी कारण ऋक् नहीं है उसमें भी देखा जाता है। उसके लिए कहा स्थाल्याम सत्तु अवधीयते इत्याहुर, स्थाली में सत्तुओं को रखते हैं ऐसा कोई कहता है। कब कहता है ऐसा? जब कोई ये कहता है यद बृहत गायत्रीषु क्रियते, जब कोई बृहत साम को गायत्री छंद में करता है। बृहत साम है तो वो बृहती छंद में होना चाहिए, लेकिन उसको बृहत साम को गायत्री छंद में अगर कोई करता है तो कैसे करता है? जैसे कि स्थाली में सत्तु को रख रहा है। सत्तु फूला हुआ होता है ना, बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, वो उतने में नहीं आता है। नहीं, पात्र तो छोटा है और सत्तु ज्यादा है, ऐसी स्थिति के लिए कह रहे हैं। क्रियते अपि चैनाम रुजति, और वो उसको परेशान भी करता है। अब कोई डब्बा छोटा सा हो, थैला छोटा सा, और उसमें ठूंस ठूंस करके कोई चीज भरी जाए तो उसको परेशान करेगा ना। न च अस्याम संभवती, और वो उसमें आ भी नहीं सकता है क्योंकि वो तो ज्यादा है और वो कम है। तो कहते हैं बृहतो बृहती योनि, बृहत साम की योनि बृहती छंद है, वो मंत्र ऐसा है। और तस्य गायत्रीषु प्राप्ति नास्ति, और उसकी गायत्री में प्राप्ति नहीं है। तो बृहती जो है वो तो 36 का होता है, गायत्री है वो 24 का होता है, तो जो बृहती वाला साम है वो गायत्री वाले में कैसे आएगा? यदि ऋचः साम शब्दः, यदि साम का मतलब ऋचा ही हो तो ये नहीं हो सकता, आक्षेप दे रहा है पूर्व पक्षी पे। अथनु गीते, यदि इसको हम गीति मान लें तो तथा सा बृहद गीतिर गायत्रीषु वचनात् प्राप्ता, तो फिर बृहद गीति गायत्री छंद में प्राप्त हो सकती है। तस्यायम अनुवादो घटते, उसका ये अनुवाद ठीक है, यत गायत्रीषु क्रियते, वो गायत्री में की जा रही है। अतथा योनि च साम दर्शयति, और जो उससे भिन्न है उसमें भी देखा जाता है ऋचा में, कि यादृशी यस्य योनिस ततो अन्यादृशे, जो जिसका कारण है मंत्र ऋचा है उससे भिन्न में देखा जाता है। जैसे यो वै विच्छंदसी साम उहति स ऋचम संश्रणाति साम च विलिशति। ये कह रहे हैं कि यो वै विच्छंदसी साम उहति, जो उसका छंद नहीं है उस छंद में साम का उह करता है यानी गान करता है, तो क्या करता है वो? तो ऋचम संश्रणाति, तो या तो ऋचा को वो संकुचित कर देता है, और साम च विलिशति, और साम को लंबा कर देता है, क्योंकि ऋचा बड़ी थी और साम छोटा था, तो क्या करेगा? ऋचा को तो छोटा करेगा और साम को बड़ा कर देगा, तभी तो सामंजस्य आएगा दोनों का। और उल्टा भी होता है, साम संश्रणाति और ऋचम विलशति इति, यदि साम बड़ा है ऋचा छोटी है तो क्या करता है? साम को छोटा कर देता है और ऋचा को बड़ा कर देता है। इति यतरत अल्पीयस तस्य विलेश, जो छोटा है उसका विलेश करता है यानी लंबा कर देता है, बड़ा देता है। और यतरत वर्षीयस तस्य संशरः, और जो बड़ा है उसको काट के छोटा कर देता है। तच्च गीतौ एव सामनी युज्यते न ऋचि, जब साम को गीत मानेंगे तभी यह संभव है न कि ऋचा को मानेंगे। उहुति शब्दश्च गीतौ एव समर्थो न ऋचि, और ये जो उहुति शब्द है ऊपर जो कहा था गायत्री शुक नहीं यो वही विच्छंदसी साम उहुति, ये जो उहुति शब्द है ये गीति में ही समर्थ है ना कि ऋचा के अंतर्गत। ऋक्चेत ऋक्चेत सैव, अगर इसको ऋचा मानेंगे तो वो तो ऋचा वैसी की वैसी है ही। यथाम नायम पठ्यते, वो तो जैसी पढ़ी गई है वैसी ही पढ़ी जाएगी। हाँ सामस्य तो विस्तारम संक्षेपकरणम अवगम्यते, ऋचा कथम भविष्यति, वो आगे बताएंगे ये सब कैसे किया जाता है, आगे आएगा उसके उदाहरण दे करके बताएंगे कैसे ऐसा ऐसा कथन हो तो कैसे संगति लगाते हैं, कैसे गान किया जाता है। यथाम नायम पठ्यते, ऋचा तो जैसी है वैसी पढ़ी जाती है। तत्र नास्ति उह प्रसंग, केवल ऋचा में ऋचा हो तो वो उह का प्रसंग नहीं होगा। तस्मादपि गीतो साम शब्द, इससे भी पता लगता है कि साम शब्द गीति का वाचक है। आगे यदुक्तम तस्य क्रिया ग्रहणार्था इति तस्य तत्र परिचोद्यते, तो ये 15वें सूत्र का कथन है। सिद्धांति ने कहा था कि तस्य च क्रिया ग्रहणार्था, वो जो अकर्म काल में है क्रिया वो ग्रहण के लिए है, सीखने और अभ्यास के लिए है, वो जो कहा था तत्र परिचोद्यते, उस पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। 19वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है। अयिकार्थे नास्ति वैरूप्यम इति चेत,
बोले अगर एक ही तरह से है, यानी गीति ही है सब, तो उसमें वैरूप्य तो हो ही नहीं सकता है, सब एक ही जैसी होंगी। तो एकार्थे नास्ति वैरूप्यमिति, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, रथंतर गीतेर बृहत गीतेर अर्थांतरम। अब ये इनको अलग अलग भी मान रहा है, रथंतर और बृहती को, तो ये दोनों अलग अलग हैं, रथंतर गीति अलग है, बृहत गीति अलग है। तेन रथंतर गीतो गृहितायम बृहत गीतिर अगृहिता भवती इति युक्तो रथंतरे गृहिते बृहत शिक्षार्थम अकर्म काले प्रयोग। कहते हैं कि रथंतर गीति को गृहित हो जाने पर बृहत गीति अगृहित है उस समय में, तो ये कथन ठीक है कि रथंतर के गृहित होने पर बृहत की शिक्षा के लिए अकर्म काल में प्रयोग है। लेकिन रथंतर गीतेस्तु एकैव अर्थ, रथंतर को तो एक बार सिखाई दिया, तो उत्तरयोर रथंतरम गायति ये जो वचन है तो वहां तो संगत नहीं होना चाहिए, रथंतर को तो सिखा दिया। पूर्व पक्षी आदि बात को मान करके कह रहा है कि भाई चलो रथंतर को सिखा दिया तो बृहती को, बृहत को अब सिखा रहा है, वो तो अलग अलग हो गया। लेकिन रथंतर को ही बाद वाले में फिर बात की दो ऋचाओं में गाता है, इसकी तो बोले आवश्यकता नहीं, वो तो एक ही चीज है। तस्य योन्याम प्रयोगे शिक्षिते पुनः उत्तरायाम उत्तरासु न शिक्षितव्यम। तो जब मूल ऋचा के अंदर आपने सिखा दिया रथंतर को, तो उत्तर की दो ऋचाओं में फिर उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तासु अकर्म काले प्रयोग है, संस्कार कर्मत्वे न युक्तो भवति। यदि आप इसको संस्कार कर्म मानोगे तो अकर्म काल में यानी स्वाध्याय काल में उन दो बाद की उत्तर की दो ऋचाओं में रथंतर आदि को सिखाना ये संगत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ऋचा मानोगे तब तो उत्तर वाली दो का भी स्वाध्याय काल में बोलना संगत हो सकता है। तस्मात् न संस्कारस्य साम शब्द इति पूर्ण विराम। इसलिए संस्कार जो है, संस्कार का साम शब्द नहीं है, संस्कार का वाचक नहीं है साम शब्द। स्थितायाम प्रतिज्ञायाम सूत्रेण परिचोदयति, प्रतिज्ञा के स्थित होने पर भी पहले कह चुका है फिर भी वो सूत्र के द्वारा उस पर आक्षेप लगा रहा है। इसका उत्तर अगले दो सूत्रों में सिद्धांती दे रहा है। बीसवें सूत्र में कहता है स्याद अर्थांतरेषु अनिष्पत्तेर यथा पाके। बोले अर्थांतरों में तो इसकी निष्पत्ति होगी जैसे कि पाक के बारे में होती है। तो अलग अलग साम है तो अलग अलग ढंग से सिखाया ही जाता है, और अगर एक भी है तो भी अलग अलग मंत्रों के ऊपर उसको अलग अलग ढंग से सिखाना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है। तो स्यात् वैरूप्यम, ठीक है इनमें विरूपता होवे। कुत एतत् अर्थांतरेषु अनिष्पत्ते है, तो अर्थांतर मतलब भिन्न ऋचाओं में अनिष्पत्ते, निष्पत्ति न होने से। खोल रहे हैं आगे, रिगंतरेषु आश्रय भेदाद भिद्यते यथा पाके। भिन्न भिन्न ऋचाओं में आश्रय के भेद से इसमें भिन्न होता है, अलग अलग तरीके से होता है। यथा पाके, जैसे पाक में, यथा एक एव अयम अर्थ पाको नाम, पाक तो है वो तो एक ही चीज है, लेकिन तस्य अर्थांतरे वैरूप्यम भवति। भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाक अलग अलग तरह का होता है। अन्यथा लक्षण है ओदन से पाक, अन्यथा लक्षणों गुड़स्य। ओदन का पाक अलग तरह प्रकार का होता है और गुड़ का पाक अलग तरह का होता है। ये न ओदन पाको गृहीतो न असौ अशिक्षित्वा गुणम पक्तुम जानाति। जिसने ओदन का पाक तो सीख लिया है लेकिन बिना सीखे वो गुड़ के पाक को तो नहीं कर सकता है। तस्मात् तस्यापि अकर्म काले प्रयोग उपपद्यते, इसलिए उनका भी प्रयोग देखा जाता है। यानी जिस मंत्र के ऊपर रथंतर को बोल लिया है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अन्य मंत्रों पर नहीं बोला है तो उसका भी तो अभ्यास उसको करना चाहिए। जहां जहां बोलना है उसका भी अभ्यास कराया जाता है। आगे शब्दानाम च सामंजस्यम, बोले इसी आधार पर इन शब्दों का सामंजस्य बनता है, रथंतर आदि जो भिन्न भिन्न नाम है उनका भी सामंजस्य बन जाता है। एवं च साम शब्दानाम ऋक् शब्दानाम च सामंजस्यम भवति। साम शब्द और ऋक् शब्द जहां जाए उसका सामंजस्य बनेगा। कैसे, कवतिषु रथंतरम गायति इति, तो कवति शब्द ऋचा एव वक्षति। कवतिषु रथंतरम गायति में जो कवति शब्द है वो ऋचा को ही कहेगा। अब ऋचा एव वक्षति, ऋचा मतलब ये द्वितीय बहुवचन है, और रथंतर शब्दश्च साम, और रथंतर शब्द साम को ही कहेगा। साम शब्द ये द्वितीय का एक वचन है। इतर्था कवति शब्दे वा देश लक्षणा स्यात् रथंतर शब्दे वा धर्म लक्षणा। अगर हम ये अर्थ नहीं लेंगे तो कवति शब्द में देश लक्षणा होने लगेगी, देश अर्थ लेंगे तो देश की लक्षणा करनी पड़ेगी, और रथंतर शब्द है उसमें धर्म मानेंगे, रथंतर पूरा नहीं जा सकता, यानी
अभिवति पूरी नहीं जा सकती तो उसके धर्म वहां पर जाएंगे, तो आपको धर्म की लक्षणा करनी पड़ेगी। तस्मात गीतौ साम शब्द इति, इसलिए साम शब्द जो है वो गीति में ही लगेगा, ऋक् का वाचक वो नहीं है। तृतीया का एक वचन है, इतर्था कवति शब्दे वा देश लक्षणा स्यात् रतंतर शब्दे वा धर्म लक्षणा। अगर हम ये अर्थ नहीं लेंगे तो कवति शब्द में देश लक्षणा होने लगेगी, देश अर्थ लेंगे तो देश की लक्षणा करनी पड़ेगी, और रतंतर शब्द है उसमें धर्म मानेंगे, रतंतर पूरा नहीं जा सकता यानी अभिवति पूरी नहीं जा सकती तो उसके धर्म वहां पर जाएंगे, तो आपको धर्म की लक्षणा करनी पड़ेगी। तस्मात गीतौ साम शब्द इति, इसलिए साम शब्द जो है वो गीति में ही लगेगा, ऋक् का वाचक वो नहीं है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन।